वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में साइंस के फिजिक्स सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। इसमें हम लोग सरल रेखा में गति इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए यह क्लास यूपीपीसीएस के अतिरिक्त आरओआरओ या फिर जितने भी प्रकार के वनडे एग्जाम हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया गया मोशन, मोशन मतलब गति। अब बात करेंगे गति क्या होता है या फिर मोशन किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे चीजें दी गई है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। मतलब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए उसको गति कहते हैं। विराम तथा गति एक दूसरे से संबंधित है। देखिए विराम और गति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कोई वस्तु वेग के साथ समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। यदि एक समान वेग से चल रही रेलगाड़ी में व्यक्ति प्लेटफार्म पर गेंद गिराता है तो गेंद का पथ परवलयाकार होगा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती तो असमान गति कहलाती। ये जो पैराग्राफ लिखा गया इसके मतलब को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए गति का मतलब क्या होता है, अगर गति की बात करेंगे तो समय के साथ आपकी बस इतना याद रखेगा। देखिए एक समय अंतराल के साथ समय के साथ साथ क्या होगा, स्थिति परिवर्तन, इसको गति कहेंगे। समय के साथ साथ स्थिति परिवर्तन, इसको गति कहते हैं। अब देखिए अगर समान समय अंतराल में समान स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। समान समय अंतराल और समान दूरी का मतलब क्या है या समान परिवर्तन का मतलब क्या है, जैसे समझिए। मान के चलिए एक सेकंड में आप एक मीटर की दूरी तय किए, है ना, फिर अगले एक सेकंड में आप एक मीटर की तय किए तो दो सेकंड में दो मीटर हो गए। आपने अगले एक सेकंड में फिर एक मीटर की दूरी तय की, जैसे तीन सेकंड में आपने तीन मीटर की दूरी तय की, तो इसमें समय अंतराल और जो दूरी है ये समान है। जैसे एक सेकंड में एक मीटर, फिर एक सेकंड में एक मीटर, फिर एक सेकंड में एक मीटर, मतलब देखिए यहाँ पे एक सेकंड अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, है ना, ऐसे ड्रॉ करें तो देखिए तीनों बराबर आएगा क्योंकि एक सेकंड में एक मीटर, एक सेकंड में एक मीटर, एक सेकंड में एक मीटर, इसको समान गति कहेंगे। असमान की का मतलब क्या होता है कि ये जो परिवर्तन है ये असमान हो गया। जैसे एक सेकंड में पहले आप एक मीटर की दूरी तय करते हैं, फिर एक सेकंड में आप दो मीटर की दूरी तय कर लिए, फिर एक सेकंड में आप मान लीजिए एक मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले बढ़ा और फिर कम हो गया तो इसको असमान कहेंगे। देखिए एक ये समय, देखिए एक मीटर हो गया एक सेकंड में, फिर एक सेकंड में दो मीटर, फिर एक सेकंड में एक मीटर, और भी ये परिवर्तित हो सकते हैं। तो समान और असमान आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे जो परवलयाकार है, परवलयाकार का मतलब क्या होता है, परवलयाकार मतलब देखिए कोई भी चीज ना अगर ऐसी गति करती, यहाँ पे इसको थोड़ा और ऊपर बनाते तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपने यहाँ से एक पिंड फेंका, ये पिंड ऐसी गति कर रही तो इसको परवलयाकार गति कहेंगे। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में जो बैट्समैन सिक्स हिट करता है, जब वो सिक्स हिट करता है तो क्या होता है, बॉल पहले ऐसे ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे ये नीचे आती, इसको परवलयाकार गति कहते हैं। जो तोप से छूटे हुए गोले होते हैं, मतलब तोप से जब गोला फायर किया, बंदूक की गोली नहीं तोप का गोला, जब उसे फायर किया जाता है तो ये भी परवलयाकार गति करते हैं। जब एक फुटबॉलर, है ना, एक फुटबॉलर फुटबॉल को हिट करता है या फिर हम कोई पत्थर फेंकते हैं, जैसे आपने ऐसे पत्थर फेंका तो ये मतलब इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, परवलयाकार गति, है ना, तो ये परवलयाकार होता है। जैसे आप ऐसे ट्रेन जा रही है ना, आप ट्रेन से ऐसे देखे, मान के चलिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए एक ट्रेन जा रही है, ठीक, एक ट्रेन जा रही है, आप ट्रेन में यहाँ पर बैठे हो, है ना, आपने यहाँ से ऐसे प्लेटफॉर्म पर गेंद फेंका, जब गेंद फेंकेंगे तो गेंद ऐसे गिरेगी, हम देखिए इस प्रकार से आएगी। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे छोड़ देंगे तब और ऊपर से फेंकेंगे तो ये और ऐसे गति करेगी, तो ये परवलयाकार गति होता है। देखिए ऐसी आकृति बन रही है, परवलयाकार गति है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि परवलयाकार किसको कहते हैं, इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। न्यूटन के गति के तीन नियम, देखिए न्यूटन ने गति विषयक तीन नियम दिया था, तो ये नियम क्या क्या थे इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो न्यूटन का गति विषयक जो प्रथम नियम था, फर्स्ट लॉ, इस ये क्या है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह विराम की ही अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में, मतलब अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी और अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब।
अगर बाह्य बल लगाएंगे तभी उसकी अवस्था परिवर्तित होगी, अन्यथा अवस्था परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, देखिए जैसे अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल क्या दिया, देखिए चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अब इसका कारण समझिएगा, कारण क्या, देखिए बस चल रही है ना, बस चल रहा है, अब उसमें यात्री बैठा है, तो जब यात्री बैठा है मान लीजिए कि यहाँ पर ये बस बैठा है, ठीक, मान लीजिए ये आदमी बैठा है ना, ये बस पर ऐसे बैठा हुआ है, ठीक, ये इसका पैर हो गया है ना, ये मान लीजिएगा कि बस का फर्श है, ठीक, इसके बाद ये इसका हाथ है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, समझिए, जब ये इसका जो सेटिंग पोजीशन है और ये जो पैर है ये बस के डायरेक्ट संपर्क में, अब ये डायरेक्ट संपर्क में, अब कि जैसे बस रुका, बस रुकते ही ना बॉडी का ये पोर्शन भी रुक जाएगा, है ना, रुक जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, है ना, ये क्या होगा, ये ऐसे आगे जाने की कोशिश करता रहेगा, जब आगे जाने की कोशिश करता रहेगा तो बस जैसे रुकेगी आदमी क्या हो जाएगा, ऐसे आगे बढ़ेगा और ये यहाँ पे ऐसे झुक जाएगा, तो इसी वजह से बस के अचानक रुकने पर यात्री क्या होते हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। वही कारण है, देखिए यहाँ पर ये सीट, देखिए कोई भी रुकी हुई गाड़ी है इसमें आदमी बैठा है ना, यहाँ पे देखिए इसका पैर हो गया है ना, इसका ये ऊपर का पोर्शन हो गया सिर है ना, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये आदमी जो है ना, जब गाड़ी रुकी है ना, इसका ये पोर्शन पूरा सब कुछ रुका हुआ है। अब जब गाड़ी चलना शुरू होता है तो ये जो पोर्शन है, ये जो मतलब बस के डायरेक्ट संपर्क में, ये पोर्शन बस के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये आगे नहीं बढ़ पाता, जब ये आगे नहीं बढ़ पाता तो ये मतलब एयर प्रेशर के कारण इसमें ऐसे पीछे धक्का लगता है और ये पीछे गिर जाता है ना, ये पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम क्या दिया, दूसरा नियम ये दिया कि किसी वस्तु वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। देखिए ये बोला जा रहा है कि जो संवेग परिवर्तन है ना, ये क्या, उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है ना, जितना परिवर्तन होगा वो बल के समानुपाती, मतलब जितना बल आप लगाएंगे उतना ही संवेग परिवर्तन होगा। ठीक, ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरी भाषा में इसको कैसे बोला गया, यह किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसी चीज को ऐसे कहा गया कि जो बल होता है ये क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण के दिशा के समानुपाती या फिर के समान होता है ना। यहाँ पर देखिए इस चीज का आगे वर्णन भी किया है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, मतलब देखिए m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर बल f आरोपित किया जाए तो बल की दिशा a में, मतलब ए में बल की दिशा में ए त्वरण उत्पन्न होगा, तो द्वितीय नियम क्या कहेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, सीधा सीधा आपको याद रखना है ना। आगे क्या है, देखिए क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे खींच लेता है ना, ये चीज आपने जरूर देखा होगा। इसका एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने देखा होगा, टीचर जब पनिश करते हैं ना, तो टीचर के पनिश करते समय हम लोग क्या करते हैं, हाथ को थोड़ा सा पीछे ड्रैग करते हैं, मतलब जब डंडा हाथ पर गिरने वाला होता है तो जस्ट उसी समय हाथ को थोड़ा पीछे खींचते हैं। जैसे ही हाथ को पीछे खींचते हैं तो इससे क्या होता है, जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट मतलब जो टाइम होता है, टाइम बढ़ जाता है जिससे इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे, देखिए अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट क्या दिया, न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या दिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती, मतलब जितनी आप क्रिया लगाएंगे उसके बराबर और विपरीत दिशा में क्रिया होगी। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया, देखिए आप इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल बताएं, आपने देखा होगा कि जब कभी भी क्रिकेट मैच में जो फास्ट बॉलर होते हैं जितना तेज गेंद देते हैं खेलना उतना आसान होता है, आपने देखा, मतलब अक्सर देखा होगा, जैसे तेज गेंद रहती है हल्का सा डायरेक्शन दिया जाता है और गेंद वो बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। वहीं पर जो स्लो बॉल होती है, स्लोअर होते हैं, उनमें थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए बॉल बहुत तेजी से आ रही, उसमें फोर्स ज्यादा है ना, तो प्रतिक्रिया बल भी क्या होगा, बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया, देखिए बंदूक से गोली चलाने पर बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है। देखिए सीधी सी बात, देखिए यहाँ पे ये एक आदमी है ना, ये क्या करता है, गोली फायर करता है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे इसने गोली फायर किया, ये गन है इसके हाथ में है ना, इसको गन मान लीजिएगा अभी के लिए है ना। जैसे ये गोली फायर करता है तो गोली फायर करते क्या होता है, बुलेट इधर जाएगी है ना, जब बुलेट इधर निकलेगी तो ये क्या करेगा, बुलेट इधर जा रहा है तो इसका प्रतिक्रिया बल ऐसे पीछे की ओर लगेगा, तो आदमी को पीछे की ओर झटका लगेगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, अब दूरी की बात की जा रही है। दूरी क्या है, किसी गतिमान कण द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। फिर यहाँ पर विस्थापन की बात किया गया। देखो मैं दूरी और विस्थापन को ना एक साथ यहाँ पे कनेक्ट करके समझाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, और एक तरफ लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। ठीक, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है, देखिए एक निश्चित समय में तय, मतलब जो पथ की लंबाई, ये क्या होता है, ये होता है तय पथ की लंबाई, मतलब जितने मार्ग की लंबाई, इसको दूरी कहते हैं। ठीक,
ये चीज है। लेकिन ये जो विस्थापन होता है पथ की लंबाई नहीं, ये होता है अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी, अंतिम व प्रारंभिक के बीच की दूरी। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल समझा रहे हैं ना, ये अब हैंग कर रहा है इस समय थोड़ा सा, चलिए देखिए ऐसे समझिएगा। मान के चलिए यहाँ पे ये एक रास्ता है, ठीक, देखिए ये आपका स्कूल है, ठीक, और ये आपका होम है। देखिए मान लीजिए यहां से आपकी दूरी है 2 किलोमीटर, मतलब स्कूल और घर के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। देखिए आप घर से निकले है ना, स्कूल गए, ठीक, और फिर वापस छुट्टी हो गई, आप स्कूल से घर आ गए। देखिए कहानी समझिए, अब आपके द्वारा तय दूरी की अगर बात करेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए आप जहां से, देखिए यहां से गए 2 किलोमीटर, फिर वापस आ गए 2 किलोमीटर, 2 और 2 4, तो आपका दूरी 4 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर विस्थापन की बात करेंगे, शुरू में आप घर पर थे है ना, प्रारंभिक स्थिति में घर पर थे और अंतिम स्थिति पर भी घर पर आ गए, तो इसका जो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, अगर विस्थापन की बात करेंगे तो 2 - 2, तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि दूरी और विस्थापन आपको समझ में आ चुका होगा। दूरी की बात करेंगे तो सिर्फ आपको देखना है कि आपने कितना तय किया है, जबकि विस्थापन की बात करेंगे तो इसमें अंतिम और प्रारंभिक बीच के दूरी को समझना है। जैसे मान के चलिए यहीं पर अगर ऐसा हो जाता, देखिए समझिएगा, आप यहां से निकले है ना, यहां आप आए, ठीक, फिर इसके बाद वापस जब यहां से निकले तो यहां आने के बाद मान लीजिए आप 1 किलोमीटर आए थे है ना, और यहां आने के बाद क्या होता है कि जैसे आप यहां पर पहुंचे, फिर आपको लगा कि आपकी साइकिल खराब हो गई, या फिर मान लीजिए आपने ऐसा मान लिया कि अब हम यहीं पर रुकेंगे, ठीक। अब देखिए समझिए, इधर आपने 2 किमी तय किया और इधर आपने 1 किमी तय किया। यहां पर अगर दूरी की बात करेंगे तो दूरी आपका 2 और 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 3 किमी आ जाएगा। लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो देखिए आप इधर 2 गए हैं और इधर 1 आए हैं, तो 2 - 1 अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, ठीक। तो ये चीज आपको दूरी और विस्थापन में समझ के चलना है। दूरी और विस्थापन में एक पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। देखिए चीजों को समझते हैं, जो दूरी है ना ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो विस्थापन है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं। अगर दूरी की बात करेंगे, दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ये भी चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। देखिए दूरी के साथ जब समय का भाग करेंगे, मतलब देखिए दूरी बटे समय, तो यहां पर आपको मिलेगा चाल है ना, आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो मतलब दूरी का अगर समय के साथ अनुपात लेंगे तो चाल मिलेगा, और विस्थापन का अगर समय के साथ अनुपात लेंगे तो आपको वेग मिलेगा। तो इन चीजों की चर्चा हम लोगों ने कर ली है, देखते हैं आगे यहां पर क्या दिया गया। देखिए विस्थापन लिखा है, किसी वस्तु का विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, यही चीज हमने बोला था है ना, उस वस्तु की विस्थापन होती है। कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के सदिशों के परिवर्तन के बराबर होते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि आपने पीछे समझ रखा है, इसका मात्रक मीटर होता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर, यहां पर देखिए कुछ पॉइंट दिए। पहला पॉइंट दिया, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वस्तु द्वारा अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करती है, मतलब आपने कौन सा रास्ता लिया उस पर निर्भर करेगा, जबकि विस्थापन मार्ग पर निर्भर नहीं करता है ना, इसका रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, बीच की न्यूनतम दूरी देखनी है। यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। दूरी विस्थापन से अधिक या बराबर हो सकता है, परंतु कम कभी नहीं हो सकता है ना, मतलब देखिए दूरी और विस्थापन अगर इसका आप अनुपात निकालेंगे तो ये हमेशा या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा, कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। गतिमान कण द्वारा तय की गई दूरी कभी ऋणात्मक नहीं या शून्य भी नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन क्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसी चीज को दर्शाया गया एक डायग्राम के माध्यम से, समझिएगा। जैसे मान के चलिए यहां से यहां तक आपको जाना है, ठीक, ये यहां से यहां तक जाना है। आप जैसे देखिए अगर आप इस रास्ते से गए तो ये आपकी दूरी हो गई है ना, आप इस रास्ते से मत जाइए है ना, आप कोई और दूसरा रास्ता अपनाइए। मान लीजिए आप ऐसे घूम घूम के आ रहे हैं, आप यहाँ पर आ गए, ये भी दूरी हो जाएगी, लेकिन विस्थापन हमेशा यही रहेगा जो इनके बीच की न्यूनतम दूरी है। देखिए आपने पाइथागोरस थ्योरम देखा होगा, अभी फिजिक्स में भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। देखिए मान लीजिए ये चार यूनिट है ना, ये 3 यूनिट है, इनके बीच की दूरी है कितनी, मतलब मान लीजिए 90 अंश का कोण है, अगर आप निकालेंगे तो इनका विस्थापन, देखिए विस्थापन 5 आएगा, जबकि दूरी कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 हो जाएगा है ना। तो ये कुछ दूरी और विस्थापन की कहानी रही, इसको हम लोग अगले क्लास में और अच्छे से समझेंगे है ना। अभी ये बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, इस वजह से इस क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं है ना, पेन इधर उधर भाग रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।